हेलो दोस्तों, आज आपके पास फिर से स्वागत है आपके मेरे फाइनेंस ड्राइव में। तो दोस्तों, आज आपके लिए और जानदार शानदार ट्रैक्टर की वीडियो लेके आया हूँ, जो कि है महिंद्रा 275 DXP प्लस। दोस्तों, इस वीडियो में आप उस ट्रैक्टर की खूबियों के बारे में बताऊंगा, इसका रिव्यू करेंगे, कैसा क्या ट्रैक्टर है और कितने क्या पावर लगाता है, कैसे कि इसमें सिस्टम फीचर्स वगैरह दिए गए हैं। तो वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें और चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट लुक से। सामने आपको ऐसे कुछ एलोजन लेटरिंग दो और बीच में ग्रिल मिलेगी, जैन ग्रिल के साथ। ऊपर महिंद्रा का लोगो क्रोम में मिलेगा। ये नीचे की बात करें, छोटा वेट, दो प्लेट लगी हुई वेट की और एडजस्टेबल कह रहा हूँ, सॉरी, घुमावदार एक्सल इसके दिए गए हैं। नॉन एडजस्टेबल हैं इसके एक्सल है। घुमावदार का दोस्तों एक फ़ायदा है, ताकि कम एरिया ट्रैक्टर जल्दी घूम जाता है, कम एरिया रहता है पूरे घूमने में मोड़ तोड़ पर, तो इसलिए ज़्यादा कामयाब माना जाता है इसको। अब बात करते हैं इसकी ट्रैक्टर की पावर की। दोस्तों, ये ट्रैक्टर 37 HP का ट्रैक्टर है, आपको महिंद्रा 37 HP ट्रैक्टर देती है। और इसके गेयर बॉक्स की बात करूँ तो दोस्तों, इसके अंदर आपको 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स का गेयर बॉक्स मिलेगा। इसके अंदर आप 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स का गेयर बॉक्स यहाँ पे देख सकते हो दिया गया। PTOSP की मैं इसकी बात करता हूँ तो मैं आपको बता दूँ, इसमें आपको 33.3 की PTOSP मिलेगी। और इसके ब्रेक्स जो दिए गए हैं वो आपको तेल वाले ब्रेक दिए गए, ऑयल वाले ऑयल इमर्स ब्रेक्स दिए गए इसके अंदर। वारंटी गारंटी में बात करूँ तो इसके अंदर आपको 6 साल की वारंटी मिलेगी, जो कि आप कंडीशन इसके अंदर आपको अप्लाई करते हैं वो आपको कंपनी वाले जब ट्रैक्टर लेने जाए वो बता देंगे। फ्रंट टायर की इसमें बात करें तो 6-16 लाख इसके अंदर आपको फ्रंट टायर मिलेंगे, और गुडियर के इसमें कंपनी ने टायर दे रखे हैं जो यहाँ ट्रैक्टर खड़ा है। और पिछ वाले टायर की मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको 13-6-28 के पिछ वाले टायर मिलेंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी इंजन कैपेसिटी की, मतलब इंजन सीसी की। इसमें इंजन सीसी जो दिया गया है वो आपको 2235 CC का इंजन दिया गया है, जो कि 37 HP की पावर प्रोड्यूस करता है। और एयर क्लीनर इसके अंदर आपको ऑयल वाला इसके अंदर आपको एयर क्लीनर मिलेगा, मतलब 3 स्टेज ऑयल बाथ इसके अंदर आपको एयर क्लीनर मिलेगा। और जो इसके ट्रांसमिशन दिया गया है कॉन्स्टेंट मैसेज के अंदर आपको ट्रांसमिशन दिया गया है। और मैं इसके अंदर आपको क्लच की बात करूँ तो जो ये वाला मॉडल खड़ा है, ये तो है दोस्तों डुअल क्लच में CRPTO के साथ। और ये आपको अगर चाहो तो ये आपको सिंगल पिट क्लच में मिल सकता है। और साइड में इसके आपको बैटरी मिलेगी, टूल बॉक्स इसका साइड में मिलेगा, और लोहे का टूल बॉक्स इसके अंदर आपको दिया गया है, मैं आपको दिखा दूँगा। और फॉरवर्ड स्पीड की बात करूँ तो मैक्सिमम 29.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकता है, 29.6 किलोमीटर पर आवर फ्रंट में भाग सकता है ये, और 11.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रिवर्स में भाग सकता है ये। स्टेयरिंग इसके अंदर तो दोस्तों वो ड्यूअल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग दिया गया है, देख सकते हो सिलेंडर कितना मोटा सिलेंडर इसका आपको दिया गया है। बट इसमें बात करें, आप अगर आप चाहो तो मैकेनिकल स्टेयरिंग में, तो आपको मैकेनिकल में अवेलेबल हो जाएगा। 6 प्लाइंस को PTO दी गई है, जो कि 5 चक्कर पूरे कर लेती है अपने 1890 RPM पे। लिफ्ट कैपेसिटी की बात करूँ इस ट्रैक्टर के हिसाब से, अच्छी खासी लिफ्ट कैपेसिटी दी गई है 37 HP में, 1800 kg इसके अंदर आपको लिफ्ट कैपेसिटी कंपनी दे रही है। सॉरी, लिफ्ट कैपेसिटी कह रहा हूँ, लिफ्ट के 1800 kg कह रहा हूँ, 1500 kg लिफ्ट कैपेसिटी इसके अंदर आपको दे रही है। ट्रैक्टर के टोटल वेट की मैं बात करूँ तो 1800 kg, मतलब 18 क्विंटल ट्रैक्टर का टोटल वेट मिलेगा आपको। और अब व्हील बेस देखो ट्रैक्टर का कितना है, व्हील बेस की मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको मिलेगा 1880 mm का इसके अंदर आपको व्हील बेस मिलेगा। इसके मैं आपको ऊपर लटकर दिखाता हूँ, ये इसका बड़ी दूसरी कमरे में, थोड़ा डाइनो बड़ा डाइनो में इसके अंदर आपको मिलेगा ट्रैक्टर स्टार्ट करने के लिए। और इसमें मैं एक चीज़ और देखता हूँ साइड जाके, इसके अंदर वो नहीं दिख रहा मुझे, जैसे कई कमरे में हाइड्रोलिक पंप हो रही, पावर स्टीयरिंग पंप एक ही कर देते हैं, शायद इसमें भी एक ही है, मुझे दिख नहीं रहा यहाँ पे, बोनट खोलना पड़ेगा। चलो छोड़ो इसका, और बात करते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। यहाँ पे आपको छोटा पायदान मिलेगा, और ये इसका रिवर्स PTO और फॉरवर्ड PTO यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पर इसकी नेम प्लेट दी गई है, आपको देख सकते हो, पढ़ सकते हो। सिंगल पॉइंट लिंक सिस्टम इसका आपको मिलेगा, सिंगल क्योर स्टेपलर, एडजस्टेबल सीट, आगे पीछे ऊपर नीचे सीट नहीं है एडजस्टेबल, पीछे आपको ये मिलेगा रिफ्लेक्टर, इसके बीच में आपको एक ये बोट लोडर, और ये रात में कुछ खेत में काम करने के लिए इंप्लीमेंट जोड़ते हो तो थ्रेसर वगैरह उसके ऊपर ही आप इसका कनेक्शन यहाँ पर कर सकते हो। एक बैकलाइट एलोजन लाइट मिलेगी आपको ये भी, और पीछे की सा देख लो कितना मजबूत ट्यूब दी गई है यहाँ पे। यहाँ आगे सामने बात करूँ, ये मीटर बंद करने के लिए, ट्रैक्टर बंद करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। ये इसका चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे दिया गया है, ये खुलेगा भी, यहाँ से खुल जाएगा ये,
ये इसका मीटर। तो अभी बात करें इसकी, आपको ऐसे कुछ अभी मिलेगी। और मीटर की बात करें तो यहाँ पे इसके यहाँ पे मीटर मिलेगा। ये इसका हेड लाइट ऑन करने के लिए कनेक्शन यहाँ पे दिया गया है, डिपर ऑन करने के लिए, लाइट्स ऑन वगैरह करने के लिए। यहाँ पे इसका हॉर्न दिया गया है, ये इंडिकेटर ऑन ऑफ करने के लिए, डिपर मारने के लिए, आई बीम लो बीम करने के लिए, पार्किंग लाइट ऑन करने के लिए पीछे वाली। ये इसका फ्यूल गेज, ये फ्यूल गेज, ये कौन सा टेम्परेचर गेज, और ये आरपीएम गेज, और यहाँ पे कितने घंटे ट्रैक्टर चल लिया। अब आप ट्रैक्टर की आवाज़ सुनाओ कैसी क्या आवाज़ ट्रैक्टर की। और साइड में आपको दिखा दूँ, ये इसका एडीडी से लिया मिलेगा, ये पार्किंग एंड ब्रेक, इसको लगा दो तो एंड ब्रेक मिल जाएगा ट्रैक्टर का, जो कि लगा हुआ है। और ये इसके पैर वाली रेस, ट्रैक्टर को स्टार्ट करके देखते हैं पूरी। यहाँ पर दिखाएगा ट्रैक्टर कितने घंटे चल चुका है, और ट्रैक्टर स्टार्ट करने से पहले न्यूट्रल कर लें इसको, ताकि स्टार्ट इसमें सेफ्टी पिक्चर दिया गया। जब तक ट्रैक्टर आपका न्यूट्रल नहीं होगा, ट्रैक्टर आपका चलेगा नहीं। यहाँ पे इसकी ऑयल की लाइट जली हुई है, ये पार्किंग ब्रेक की लाइट, ये बैटरी ट्रैक्टर है इसकी लाइट जली हुई है यहाँ पे। और ट्रैक्टर स्टार्ट करते हैं तो इसका हॉर्न दिखाता हूँ आपको, ऐसा कुछ इसका आपको हॉर्न मिलेगा यहाँ से। और ये सिस्टम यहाँ का आप देख सकते हो, इसका ऐसा कुछ मीटर कंट्रोल मिलेगा, पार्किंग लाइट, ये बैटरी का साइन, ये कुछ ऑयल वगैरह का साइन है। और पावर से भी बात करें, बिल्कुल लाइट स्टेयरिंग दिया गया ट्रैक्टर का, बिल्कुल लाइट स्टेयरिंग है। ये इसके ट्रैक्टर बंद हो जाएगा, ये तो। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और चैनल अपने सब्सक्राइब करें प्लीज़, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।